number 29, माई एमरेट्स बनाम दुबई कैपिटल्स ज़ायद क्रिकेट स्टेडियम अबू धाबी बिल्कुल सजा हुआ इस मुकाबले के लिए और रन मिलेंगे, सीधे रन मिलेंगे। थोड़ा सा वो जो एंगल है उसका इस्तेमाल किया, टाइमिंग बढ़िया। एंटन और होल्डन दोनों सलामी बल्लेबाज दुबई कैपिटल्स के लिए। ओ भारी किनारा, मिलेंगे यहां पे चार रन, थोड़ी किस्मत भी चाहिए। जी हां, अच्छी गेंदबाजी, गेंद को ऊपर रखा था और ये पहली बाउंड्री आती हुई दुबई कैपिटल्स के लिए। धागे खिलाया गैप में, फील्डर है पर मात्र दर्शक रह जाएगा। sky247.net एक और सुपर फोर आता हुआ यहां पे और इस बार इंप्रोवाइज किया, बढ़िया कनेक्शन, बहुत जल्दी पोजीशन में आ गए थे, लेंथ को ऊपर का रन निकल रहे हैं यहां पे दुबई कैपिटल्स के लिए। इस बार उठा के खेला है, कदमों का इस्तेमाल किया, फुल पे लिया, बेहतरीन बल्लेबाजी, चार रन और मिलते हुए यहां पे और उठा के खेल दिया और मिलती हुई एक और बाउंड्री, बैक टू बैक बाउंड्रीज आती हुई कैपिटल्स के लिए। क्या शुरुआत मिली है उनको, विकेट टेकिंग ऑप्शन है, देखिए का चौका जरूर लगेगा पर ये बात नहीं। चलिए ये चौका लग गया, चौके के साथ 50 रन भी पूरे पर, ये रणनीति अच्छी है। पर ऊपर की तरफ उठा के मारा है, पीछे फील्डर है, एक बार फिर बोल्ट है वहां पे, इस बार गेंद चिपकी नहीं इनके हाथ पे, पर कोशिश के नंबर पूरे। पहले ये जरूर बोल गए कि कार्तिक जो है कैमरे पे गाना गाएंगे पूरे देश के लिए। मैच का पास मिल गया तो आके बैठ गया, आई डिडंट नो कि इतनी ठंड होने वाली है बिकॉज ऑफ द विंड एंड ऑल, तो जो भी है मेरे पास और एक भी जैकेट था मेरे पास, आई वांटेड टू वेयर एवरीथिंग। इस बार अक्रॉस लाइन खेलने का प्रयास और यहाँ पे वापस जाना पड़ेगा। जी हाँ, विकेट मिल गई है और ये साझेदारी टूट गई है। बॉल ट्रैकिंग कमिंग अप, ओरिजिनल डिसीजन इज आउट, पिचिंग इन लॉन, इंपैक्ट इन लॉन, wickets is missing and a review lost. You can stay with your original screen signal now. All Wilson साहब बड़े व्यस्त नजर आए और यहाँ पे ये झटका लग गया। जी हाँ, होल्डन वापस जाते हुए 51 रन की एक अच्छी पारी और उठा के खेला है ऑन साइड पे, फील्डर वहां पे और ये मौका गवाते नहीं है क्योंकि ट्रेंट बोल्ट है, बहुत ही उम्दा फील्डर है, कोई गलती नहीं की, यानी कि एक और सेट बैटर वापस जाता हुआ होगा यहाँ पर कैपिटल्स को। एंटन जो सेट थे, डोपली जो अभी आए हैं वो भी थोड़े स्ट्रगल करते दिखे, ये हम बात भी कर रहे थे। यहाँ मिलेंगे चार रन, यहाँ पे बहुत जल्दी पढ़ लिया था और थर्ड मैन का फील्डर सर्कल में है तो बड़ा आसान नजर आया वहां पे। ये अभी तक फिर से उठा के खेला है, गैप में खेला है, चार रन और महंगा ओवर यहां पे सलाम खेल का, 13 रन इस ओवर से, 113 पे दो रन पहली दो गेंदों में। क्लीन बॉल्स, हमेशा ये छोटा फॉर्मूला अपनाया, इस बार स्टंप कर रखी, गति तेज थी और चलता क्या डुप्लॉय को, बड़ी विकेट ये माई एमिरेट्स के लिए। आउट फील करेंगे और स्पिनर होते हुए इतनी तेजी से डाला ये यॉर्कर, बल्ला नीचे नहीं आने दिया, वाह भाई वाह। पहुंचे हैं क्लीन बॉल्स, कितना बड़ा ये विकेट, इस बार सिकंदर रजा को जाना होगा वापस, खाता भी नहीं खोला, इसे कहते हैं वापसी। ऐसे किया था पहले 10 ओवरों में कोई सफलता नहीं और उसके बाद एक के बाद एक विकेट गिरते चले गए और आज कुछ ऐसा ही उनके साथ खुद। रॉयल जी जोंडी का बहुत बेहतरीन रहा है, वन शॉट खेलने की सोच, लेकिन जंप ऑफ द प्रोविजन वापस, लेकिन जब जब स्पिनर गेंदबाजी कर रहा है ना तो यहाँ पे हीरो बन रहा है गेंदबाजी में, इस बार दूसरी सफलता मुस्लिम के हाथ। देखिए इनको हल्के में लिया कि ये गेंदबाज नहीं है, बॉल तक पहुंचे नहीं थे, दूर रह गए, वहां ब्रावो ने कोई गलती नहीं की, एक आसान सा कैच उनके हाथ में और यहाँ पे भागे का चौका, ये किनारे कई बार आपको रन देके जाते हैं, इससे पिछली गेंद में बेहतरीन विकेट ली थी लेकिन ये खराब गेंद और सही परिणाम। एक और फुल टॉस यानी कि एक और तोहफा जो कबूल किया श्रीलंका ने, वो आए हैं और आते ही उनको सेट करने में मदद कर रहे हैं फिलहाल गेंदबाज।
दीप के साथ गेंदबाजी, लेकिन आकराम अखरुख अपनाया, लेकिन फील्डर को डीप मिड विकेट पे पाया। इस बार रियाज कांत 225 रन का आंकड़ा देख रहे हैं, थोड़ी पार्टनरशिप की जरूरत थी, लगातार विकेट गिर रहे हैं। डंक ने ऊपर से खेलने का प्रयास किया, लेकिन वहां फील्डर उठा के खेला, फील्डर डीप पे तैनात है और सीधा हाथ में, यानी कि एक और विकेट का पतन। आंद्रे फ्लेचर स्पाइसमैन ये गलती करते नहीं है, ये बड़ी अच्छी कप्तानी भी स्पिनरों के साथ आप यहां तक गेम को लेके आए, फिर ट्रेंट बोल्ट साहब आते हैं, ये भी आके विकेट चटकाते हैं, सर हिलता है, सर जो है स्थिर नहीं रहता तो फिर मुश्किल पड़ती है। ये लीजिए, ये भी एक बढ़िया कैच है जी, ये भी तगड़ा कैच है, मोहम्मद वसीम ने कोई गलती नहीं करी, बिल्कुल सही समय पे हाथ नीचे लेके आए करने की। विकेट पतन जारी है, छक्के नहीं लग रहे हैं जी, बहुत ही शानदार कैच, दौड़ लगानी पड़ी, पुलाट भी शाबाशी दे पाए ने, बल्लेबाज मुश्किलें बढ़ती हुई, यहां पे फिर से बल्ला घुमाया है, रन आउट का मौका और एक और बल्लेबाज वापस जाएगा, ऊपर जाने की आवश्यकता है नहीं, रुकना नहीं, बल्लेबाज वहां से सीधा भाग के बाहर आ जाओ, अब लिहाज से धीरे किया ये गेंद, बैक ऑफ द हैंड और यथा पता नहीं बल्लेबाज को, और निशाना पक्का वहां विकेट कीपर का हो जाता है। ये बल्ला घुमाया इस बार, कोच है मांग है दो की और दो ले लेंगे क्योंकि मिसफील्ड हुई थी। चलिए इसके साथ ही इनिंग्स की समाप्ति, 20 ओवर के बाद 147 में 9 दुबई कैपिटल्स, रास्ता ऐसा लगा कि खोसा दिया है।